हाय, मैं नम्रता. नहीं, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ. एंड टडा, ये देखा, मेरे पास कुछ अलग कार्ड आया था. थोड़ा चैलेंजिंग तो था क्योंकि ये कपड़ा था, पेपर नहीं. और पर ना, इनके वरमाले बहुत सुंदर थे. जो ओरिजिनल कलर होता है ना, इनका कलर ही नहीं गया था. आई नो, मैं सारे वरमालों को सुंदर ही कहती हूँ, पर क्या करूँ, मेरा काम ही है भाई. है, मुझे सारे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं. तो ना, इनका आपको अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ. अरे अरे, रुको आप, तभी तो आपको समझ आएगा कि क्या बनाया है. तो चलो मैं ही बता देती हूँ. ये ना 12 इंच की क्लॉक बनवाई है, जिसमें उन्होंने कार्ड भी रखा है, पर ये कार्ड अरेंज नहीं हो पा रहा. तो यहाँ पे मेरे पास एक वरमाला आया, साथ में ना एक रोल वाला जो फैब्रिक वेडिंग कार्ड होता है ना, वो आया. पर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वेडिंग कार्ड जो फैब्रिक का था, वो ऊपर नीचे हो रहा था, और वो जो पेपर कार्ड होता है वो प्लेन होता है, हार्ड होता है, तो वो प्लेन सरफेस रहता है. पर इसी को ना सही करने पे बहुत जुगाड़ करना पड़ा, इसलिए मैंने नीचे पेटल्स डाले, और फिर ना जहाँ जहाँ पे फैब्रिक नीचे जा रहा था, वहाँ वहाँ पे बंच डाले मैंने फ्लावर के, और ऐसे मैंने इसको बैलेंस किया. तो अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी के पास ऐसा वेडिंग कार्ड यूनिक है, तो आई थिंक उसे ज़रूर प्रिजर्व कराना चाहिए. तो प्लीज़ डीएम करें गर्ल विद नो जॉब. पास एक पार्सल आया था वरमाला प्रिजर्वेशन के लिए, तो मैंने जब उसे ओपन किया तो उसमें एक सुंदर सा वरमाला निकला, और ना साथ में एक फैब्रिक वाला वेडिंग कार्ड. हाँ, जो रोल वाले होते हैं ना, वही रेड कलर में. तो उनको ना एक फ्रेम बनवाना था, 12 इंच का वरमाला क्लॉक. तो बाकी सब तो आपने देखा, सब एडजस्ट हो गया, पर यहाँ पर ना मैं वरमाला के फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ किनारे किनारे पे. स्टार्टिंग में ना थोड़ी सी टेंशन तो थी, पर इसका जो एंड रिजल्ट था ना, वो बहुत सुंदर था. आप देखना कि ये जो कार्ड है ना, इसी ने पूरा फ्रेम मेरा हाईलाइट किया है, तो ये बहुत सुंदर बना था. और आज ही फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा, एंड अभी आपको लास्ट में इसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा. एंड प्लीज़ देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा. देखा, मैंने बोला था, ये कार्ड ने पूरा फ्रेम मेरा हाईलाइट किया है. वैसे मुझे तो ये फ्रेम बहुत सुंदर लगा, सॉरी सॉरी फ्रेम नहीं, क्लॉक. आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.